अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों, आज है डे 4 और आज का हमारा प्लान है, शाम हो गई है, कल के दिन की बहुत थकावट हो चुकी थी, वादी शहाब से आके पूरा दिन रेस्ट किया, तकरीबन 4:30-5 बज रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कोरम बीच थोड़ा सा नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो आपको भी दिखाते हैं कि कैसा एंजॉय होता है, तो क्या होता है इंशाल्लाह। चलिए हम चलते हैं, हमारी गाड़ी तैयार है, लड़के जा रहे हैं। ये कि हमारी गाड़ी है, अभी हम जा रहे हैं कोरम बीच की। बाजी बैठ गया, चलो जी, सीट बेल्ट जरूरी है। ओ बहुत है, टांगे बहुत दर्द कर रही है। अल्लाह का कसम, सोया ना आजी भाई, सब फ्री, बस खलास खत्म हो गया। सुबह जो था ना सुबह, मैं तो मालूम क्या, मैं तो जिधर से रात को जाते ही सो गया था। कल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था वादी शाब का, तो बहुत एंजॉय किया सब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा दिन। और अच्छा किया, ईद का तीसरा दिन ही था ना, ईद का तीसरा दिन था हमारा, आज चौथा दिन है। तो चले यहाँ जा रहे हैं कोरम, तो देखते हैं कैसे। अभी कोरम पास ही है, लड़के लोग काफ़ी थके हुए हैं कल की थकावट की वजह से, तो आज हम पास ही जा रहे हैं, कोरम बीच है हमारे इधर, अलखोयर से बिल्कुल पास ही है। तो वहाँ थोड़ा सा नहाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, चौथा दिन भी गुजारेंगे ऐसे ही इंजॉय करके, क्योंकि कल से फिर ड्यूटी स्टार्ट हो जानी है सबकी, ड्यूटी में सब ने मसरूफ़ हो जाना है, तो इसी वजह से आज भी हम कुछ थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, ठीक है ना। तो आसिफ भाई आप बताएं कुछ कल के बारे में, कल की थकावट उतरी या नहीं अभी तक? भाई साहब हम लोग तो सुबह उठने को ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, टांगे इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी, बड़ी मुश्किल से सुबह उठे हैं, फिर नाश्ता नुश्ता किया, खाना वगैरह खाया साथ में। आज तो वैसे जाने को दिल नहीं था कर रहा, लेकिन फिर बोला चलो इंजॉय करते हैं सब। हाँ, लोग जा फिर रहे बाद हैं। में ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो स्टार्ट हो जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा कहीं भी जाने का, सोचा कि चलो जाते हैं थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। इधर की लाइफ जो ऐसी है कि कभी आपको टाइम मिले आप जा सकते हो, वरना तो ड्यूटी, ड्यूटी से काम, काम से घर, टाइम मिले ना मिले इसलिए जा रहे लेट ही सही। ओके जी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फरमान भाई हैं सिवान से, फरमान भाई ये भी कल गए थे, इनकी थकावट, फरमान भाई आपकी थकावट क्या है? बहुत 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 मुश्किल है। अच्छा, काफी सफर तो सिर्फ 200 किलोमीटर था, 2 घंटे का सफर था सिर्फ, आप कैसे थक गए इतनी जल्दी? पैदल चलना पड़ा ना 1 घंटा। हाँ ये तो बात है, वहाँ पैदल जाने का 1 घंटा, आने का 2 घंटा, तो वही निकल गया। हाँ वो बहुत टाइम लगा, जो बड़ा तो वो मुसीबत, जो ट्रैकिंग करके हम गए ना वो बहुत ही मुश्किल थी, पहाड़ी रास्ता, फिर पानी भी था ऊपर नीचे, बहुत ही खतरनाक रास्ता था, वो हॉरर मूवी जैसा हो गया था। मेरी चप्पल तक टूट गई देखो, और काफ़ी लोगों की चप्पलें टूटी हुई थी, मेरी नहीं। तो काफ़ी इंजॉय हुआ कल, तो आप लोगों ने देखा होगा हमारी फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले मैंने अपलोड की है। हमारे साथ सैयद जफर भी हैं, वो भी कल गए थे। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह रहा जी, कल तो बहुत अच्छा रहा दिन, एंजॉय किया, मीठा पानी था, एक तो समंदर वाले पानी नहीं था, माशाल्लाह ऐसे एंजॉय करते रहेंगे इंशाल्लाह हमारे मेले के साथ, इंशाल्लाह देखते हैं अलकुरम बीच पे। ओके जी, देखते हैं आगे। चले जी, आदमी लोगों की कल की थकावट हुई ना, इसलिए बोल भी ठीक से रहे, बहुत टाइड है, बहुत टाइड है। सिर्फ आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, अपने लिए भी बना रहे हैं, ताकि हमारी भी यादगिरी रहे इस वीडियो में। तो अन करीब मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, कैंसिल जा रहा हूँ, तो मेरे पास भी ये सेव रहेंगी, अपने प्यारे दोस्तों के साथ जो मैंने टाइम गुजारा, तो वो भी मेरे पास रहेगी वीडियो, यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा, उसमें देखता रहूँगा, तो यादगार रहेगा ये भी हमारा सफ़र इंशाल्लाह। साला छोटे वाला पजामा पहन के आ जाना, कुछ कुछ दिखता ही नहीं है, पास नहीं है लंबा वाला, था ना एक पहन के आता था पहले, किसे प्रेस करना, ये साथी कोरम इधर हम लोग आए हुए हैं नहाने के लिए, ये सब ये मिस्टर करामत हम रेडी हो गए नहाने के लिए, मस्त अब समुंदर के अंदर जाएंगे। दाने नहीं कराए वैसे, ये ठीक है, ये आप कौन ले था जो है?
चश्मा पहन के ना हो गया। हाँ ये भी ले चलो ना, मजा आएगा उधर। अभी इधर क्या खेल रहा है, अंदर तो चलो भाई, बंद कर लो भाई। मोबाइल ले लो, ये वो बाहर से बनाते रहेगा। ये भी वाटर प्रूफ है ना, ये तो मेरे अंदर लेके जाएगा ना। ये हम लोग जा रहे हैं, चप्पल पहन लोगे मुश्किल नहीं, चप्पल देखेगा ना बंदा। पानी दोने, ये बंदे लोग आ रहे हैं, खोल के गया है गाड़ी का। ये बंदे लोग आ रहे हैं, ये इस गाड़ी का पास गाड़ी लॉक की है। ये फिश निकाल रहे थे, कितना बड़ा जाल है ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है बहुत आगे तक। अच्छा तो दोस्तों, हम दो तीन दिन पहले गए थे यत्ती बीच, यहाँ से एक घंटे का रास्ता है तकरीबन, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप लोग वो भी देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे जो समंदर की लहरें हैं ना, बहुत बड़ी थी। ये तो छोटी छोटी सी लहरें हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर उसकी लहरें इतनी बड़ी थी कि इतने पानी में बंदा खड़ा रहे ना, इतना तो अगर लहर आती थी तो सर के ऊपर से आती थी फुल, बहुत बड़ी लहर थी। अभी ये मुझे नहीं पता वहाँ लहरें क्यों बड़ी हैं, यहाँ क्यों छोटी हैं। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्यों बड़ी होती हैं, मुझे नहीं इतना आइडिया। तो ये है कुरम बीच, हमें स्विमिंग नहीं आती। लास्ट वीडियो में हम गए थे वादी शहाब, वहाँ पर स्विमिंग करके केव में जाते हैं लोग, ठीक है। तो तकरीबन आधा घंटा स्विमिंग है, ठीक है। कहीं बहुत डीप है, कहीं बहुत कम है। मुश्किल ये है कि वहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है जो है स्विमिंग करके बंदा जाता, इसलिए हमें स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। मुझे तो ख़ास तौर पे नहीं आती, मुझे भी सीखनी पड़ेगी स्विमिंग। अब ऐसे वाले एरिया में हम जाएं तो इजी हम स्विमिंग करके वहाँ पे आपको मैं दिखा सकूँ। चले हम थोड़ा सा खेलते हैं तो साथ साथ, या खेल सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं दोनों में से। अभी काफ़ी हम गहराई में आ चुके हैं, मेरे सीने तक पानी आ गया है। फरमान लेके आएगा, वो बहुत दूर है, मैं जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, मेरे सर के ऊपर से पानी गुजर जाएगा। ये बताएं ये वाले पानी में और यत्ती वाले पानी में क्या फ़र्क है दोनों में? देखो ये वाले पानी में और यत्ती वाले पानी में उसमें ज़्यादा बड़ी लहरें आ रही थी, उसमें बहुत बड़ी लहरें हैं और पानी यानी ऐसा, यानी जैसे अभी ये बहुत साइलेंट है ना, देखो एकदम से साइलेंट है, आराम से है। यत्ती वाले में बहुत प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको अगर स्विमिंग आती है ज़्यादा तो यत्ती वाला बहुत अच्छा है, नहीं भी आती है तो चलेगा, थोड़ा आगे बैठ सकते हो। और गहराई में भी यत्ती वाला बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये तो अभी देखो हम आधी बीच पे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी तक देखें हमारा गर्दन तक पानी नहीं आया, तो पानी बहुत साइलेंट है और आराम से स्विमिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ शोर शराबा नहीं चाहिए तो ये सही है, बाकी शोर शराबा चाहिए यत्ती में जाएं, उधर रश भी काफ़ी है और पानी भी काफ़ी प्रेशर वाली है। सही है, तो मेरे ख्याल से तो बॉडी के लिए वो ज़्यादा अच्छा है, प्रेशर वाला पानी, प्रेशर वाला। हाँ जी, जो हम कभी कभी स्विमिंग करते हैं। और जो हम कल वादी शहाब गए थे वो तो पानी मीठा था ना उसका, वादी तो शहाब का पानी का तो भाई क्या ही बात है, माशाल्लाह। वादी शहाब तो यानी नेचुरल पानी है, वादी की पानी है, मीठा पानी है, पी सकते हैं और मुँह में भी जाएगा तो कुछ टेंशन नहीं है, साफ सुथरा पानी है, उसमें कुछ नमक नहीं है। भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आज आए हुए हैं कुरम पे, तो ये ग्रैंड हयात वाली बीच है। सही है, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये तो, सही जगह है, तो स्विमिंग करने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। चले हम एंजॉय करते हैं थोड़ा,
हाँ जी। तो गाइज हम वीडियो को पॉज करते हैं, थोड़ा सा हम खेल रहे हैं, एंजॉय कर लें, उसके बाद हम फिर। लो जी गाइज, हमने नहा लिया, नहा के फारिग हो गए, वापस जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया आज भी और अच्छा एंजॉय किया। आज हमारा लास्ट दिन था, कल से ड्यूटी स्टार्ट, अनलिमिटेड फिर ड्यूटी। अभी हम जा रहे हैं घर और सब दोस्त बैठे हुए हैं, थक गए हैं नहा नहा के। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना।